अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ारा सकीरा और आप देख रहे हैं ज़ारा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार सा व्लॉग लेके हाजिर हुई हूँ। पिछले व्लॉग में ये वाली सीन जो है डेयरी की जो सैर है वो रह गई थी, तो इसलिए अब मैं आप लोगों को बायोगैस के इंट्रोडक्शन करवाऊँगी। ये गोल सा लगा हुआ है, इसमें गोबर डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर एक सिस्टम था जिससे घुमाया जाता था। फिलहाल वो सिस्टम गायब हो चुका है, तो स्विच से ही घुमाया जाता है। और ये लगा हुआ है नल सा, जिससे छोड़ने से घर तक बायोगैस चला जाता है। और ये सेविंग के लिए सारा सिस्टम किया हुआ है, लेकिन लग नहीं रहा कुछ, सारा उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा है। यहाँ से जो है गोबर खारिज होता है और फिर जाके वो खाले पे जाता है, खाला सामने, उसके बाद फसलों का लग जाता है। अब हम आपको दिखाएंगे डेरा। ये देखें, ये खुरली बनी हुई है। खुरली कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, मैंने तो नहीं पढ़ा अब इसको। तो इसमें घास और क्या कहते हैं तूड़ी डाली जाती है। फिर ये छोटे 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 कुंडे से लगे हुए हैं, यहाँ पे भैंसों को बांधा जाता है। वो चेन से लगी हुई है, यहाँ पे जो है घास को काटा जाता है, पाठे गुदे जाते हैं। और ये घास पड़ा है, इसके ऊपर दिए हुए कुछ चीज़ ताकि ये मुरझाए मत। ये वाला सिस्टम तो हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे मेरा फेवरेट बरांडा, भैंसों का बरांडा। ये कपास का वास पड़ी है सब जगह पे। तो अब हम जाएंगे अंदर बरांडे के, नहीं अभी हम आपको मकान दिखाएंगे। मकान अभी इनकम्प्लीट है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको दिखाया जाएगा। ये बरांडे के अंदर हम घुस गए हैं और ये देखें, यहाँ पे कुछ काटियाँ वाछियाँ और कुछ बकरियाँ खड़ी हुई हैं। हाफ जो माल है, भैंसे हैं, वो दरख्तों के नीचे हैं। बरांडे की छत दिखाएंगे। वैसे तो बरामदा कहते हैं, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था बरांडा कहने का, तो इसलिए मैं बार बार कह रही थी। ये देखें, ये जो मकान बन रहे हैं, इसको जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको इसकी भी सैर करवाएंगे। थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि कैसा बन रहा है। यहाँ पे एक काटी थी ब्राउन कलर की, मुझे बड़ी पसंद आई, मैं इसको छेड़ रही थी, लेकिन ये छिड़ी नहीं रही थी, तो इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। और नेक्स्ट भैंसों की तरफ चलते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत छांव है, और यहाँ पे ये आराम से बैठी हुई है, मज़े ले रही है। ये नस्ली लग रही है भैंस, मुझे पहचान होने लगी है मुझे भैंस। हाय होय होय, ये देखो कैसे घूर रही है कि मेरी वीडियो क्यों बना रही हो। मैं तो बनाऊंगी, मैं नहीं तुमसे डरती डरती। ये देखें शरीफ भैंस, और सामने वो सींगों वाली भैंस। इसका तो दिल कर रहा है कि मुझे सींगों से उठा लूँ, लेकिन ओए जा रही हूँ नहीं बना रही वीडियो। ये देखें कितनी खूबसूरत दोपहर की छांव थी, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत मंजर लग रहा था। जो सूरज है वो भी मुंह निकाल रहा था थोड़ा सा कि मैं भी हूँ, मेरी भी थोड़ी सी कैप्चर कर लो सीन। सामने कपास थी, और जो कपास इसको चुन लिया गया था, सिर्फ लकड़ियाँ ही रह गई थी। एक छोटी सी काटी जो है ब्लैक कलर की, यहाँ पे ये भी खड़ी है। तकरीबन मैं आपको सब कुछ दिखा चुकी हूँ, दोबारा से देख लें। ये ज़मीनें हैं सारी हमारी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये लकड़ियाँ हैं जो उखेड़ी हुई हैं, सुखाने के लिए रखी हुई। ये चार पाया है बड़ा सारा, जिसपे बंदे बैठते हैं, ट्रैक्टर है जी। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए ज़रिश सखेरा को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।